सोचिए देश कैसे चलाया जा रहा है। इस देश के लोग हीरा चोरी के आरोप में जेलों में बंद हैं, और सोचिए 6,000 करोड़ का चंदा बीजेपी को। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर है मीडिया की चुप्पी। ये टीवी अखबार को इस पर सवाल पूछ रहा है। इस देश में टीवी अखबार की नज़रों में लालू यादव भ्रष्ट है। इस देश में 1200 करोड़ का चंदा देने वाला ईमानदार है, जिसके यहाँ छापा पड़े और चंदा पहुँचा दे। इसमें मोटा मोटी क्या खबर है, पूरा विश्लेषण पर मजे। आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरा सीलबंद लिफाफा लौटा दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये प्रधानमंत्री आरएसएस और बीजेपी का न होकर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी सपा बसपा आरजेडी का प्रधानमंत्री होता तो इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया धज्जियां उड़ा देती, आज तमाम हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा होता। आप कल्पना कर सकते हैं, 100 करोड़ रुपए के आरोप में मनीष सिसोदिया संजय सिंह जैसे नेता को जेल में डाला हुआ है। हम जैसे लोगों का इनकम टैक्स और ईडी की नोटिस आती है। इस देश के जेलों में 90% दलित पिछड़े आदिवासी खीरा चोरी के झूठे आरोप में बिना जमानत के जेलों में बंद हैं। किसको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता, ये सरकार चल रही है 6,000 करोड़ का। और सोचिए बेईमानी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग, सीबीआई के एक डायरेक्टर ने श्रीवास्तव ने थोड़ी कोशिश की थी, उनको कैसे जलील किया गया था, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कि देश में डिक्टेटरशिप है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, किस तरह से। आप सोचिए कि स्टेट बैंक का प्रमुख हलफनामा देने के लिए तैयार नहीं था, खुलासा करने के लिए तैयार नहीं था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। अब चुनाव आयोग के जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, सोचिए 6 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई, और अधिकारी कौन जो अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, इससे पहले ईडी का डायरेक्टर मिश्रा, और सोचिए एक हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम का शख्स अभी भी कह रहा है कि कांग्रेस और बाकी दल बेईमान हैं, अगर चुनावी चंदा बेईमानी है तो। 3,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई है, मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, ये जो चंदे का हिसाब आया है इसमें सिर्फ 18,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी दी गई है। सवाल है कि जब 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए तो 3,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन है जिसको छुपाया जा रहा है, और क्यों चुनाव आयोग अपना हलफनामा वापस मांग रहा है। आप सोचिए किस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है, संविधान को धत्ता बताया जा रहा है, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस देश का मीडिया सरेंडर कर चुका है। मीडिया में बैठे लोग, संपादक, रिपोर्टर, मीडिया के मालिक, वो सब के सब अपनी जाति की वजह से इस सरकार के सामने सरेंडर है या उनकी वैचारिक सहमति है। अब भी आप राष्ट्रवाद का रोना रोएंगे, इस देश के संसाधनों को लूटने वाली कंपनियां, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है ताकि समाज के लिए स्कूल अस्पताल बनाया जाए, ये कंपनियां क्या करती हैं, और सोचिए कैसे इनके कॉलर पकड़ के पैसा लिया गया है। ये क्या शौक से ये सारा चंदा दिया गया है, तो इससे पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था। आप बताइए 22,000 करोड़ का चंदा, 6,000 करोड़ एक ही कंपनी को, और सवाल है कि कई सारे ऐसी कंपनियां हैं, पूरा सोशल मीडिया पर डिटेल आ रहा है, मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन मैं अभी मोटा मोटी बता रहा हूं। 3,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई, उसमें क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, कोई पूछने वाला नहीं है। लालू यादव को चारा चोर कहा जा रहा है, आज भी स्मृति ईरानी कह रही थी। इन लोग को कोई नैतिकता है बात करने का। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोग, संविधान मानने वाले लोग, झूठे आरोपों में जेल में बंद होते हैं, उसके बाद भी न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, जुडिशियरी पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि पुलिस में बैठे हुए लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी वो कानून पर भरोसा करते हैं, कोर्ट पर भरोसा करते हैं, पुलिस पर भरोसा करते हैं। 30-30 साल जेल में, 20-20 साल, 15-15 साल जेल में निकल के बिता कर वो बरी होते हैं, उसके बाद भी न्यायिक व्यवस्था पर वो भरोसा करते हैं। लेकिन ये है गुजरात मॉडल, किस तरह से इस देश के धन्ना सेठों ने इस देश को लूटा है, और उस लूट में जब एक सरकार, दो और बड़े गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और ईडी किसके इशारे पर काम कर रही है। इस देश का टीवी अखबार सवाल पूछ रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, देखते हैं कि क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस खुलासे से साफ हो गया है कि इस देश में जातिवादी नेक्सस है, जिसमें मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट
तमाम लोगों का नेक्सस है और ये कौन लोग हैं, इनकी जाति क्या है पता कीजिए, चंदा देने वाले की जाति क्या है और किस पार्टी को चंदा दे रहे, सोचिए आरजेडी को कितना चंदा मिला है, 2 करोड़। बीएसपी का तो किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। ममता बनर्जी किस जाति से हैं जिनको चंदा मिला है? और एक सवाल और पैदा हो रहा है कि क्या जानबूझकर दूसरे पार्टियों को तो नहीं पैसा पहुंचाया गया, या जो कंपनियां दूसरे पार्टी को चंदा दे रही थी, ईमानदार थी, उनके यहाँ रेड मार के तो चंदा नहीं लिया गया? क्या अब भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईमानदारी की बात करेंगे? देश के हर जिले में पार्टी का दफ्तर बनना, राज्य में दफ्तर बनना, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे भव्य दफ्तर बनना, ये सारे पैसे कहाँ से आए? ये 6-6 हज़ार, और सवाल है कि 3 हज़ार वो कहाँ छुपाया गया? गुरदीप सप्पल ने ट्वीट किया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे बड़ा भी योगदान पीएम केयर फंड्स में कितना पैसा गया होगा जिसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है? तो सोचिए, तो डीवाई चंद्रचूड जैसा एक देश को जज मिला है जिसने सरेंडर नहीं किया और कुछ वाजिब सवाल पूछा जा रहा है। क्या जिस तरह से ये चंदे का हिसाब मांगा गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्या पीएम केयर फंड्स का हिसाब नहीं मांगा जाना चाहिए? आखिर प्रधानमंत्री इस देश के ही नागरिक हैं, देश की सेवा ही कर रहे हैं ना, तो क्या छुपा रहे हैं वो? पीएम केयर्स फंड अगर ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है, तो जारी कीजिए उसका आंकड़ा, बताइए देश को कि आपको पीएम केयर फंड में कितना पैसा मिला और आपने कहां कहां खर्चा किया। आप देश को डिजिटल बना रहे हैं, एक एक सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला डिजिटल पेमेंट कर रहा है। बैंक में आप अपना पैसा निकालने जाते हैं तो आपसे KYC मांगा जाता है, हर डिटेल आपको देना है, और आप पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे कि कितना पैसा आया और कहां खर्च किया? अरे झूठा ही बनाकर दे दीजिए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद भी 22,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड में से 18,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड का चुनावी डाका, और ये तो 19 से 24 तक का है, ये सरकार तो 14 में आई है, उसके बाद ये अरुण जेटली कानून बनाए थे, ये 19 से 24 तक का है 6,000 करोड़। तो अब तक अखबार वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को चंदा गया है, उसके बाद ममता बनर्जी को, उसके बाद 1,000 करोड़ कांग्रेस को, लेकिन सवाल है कि ये पैसा कैसे वसूली हुई है? और लालू यादव चोर है, मायावती जी चोर हैं, मुलायम सिंह यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, JMM चोर है। सोचिए, हेमंत सोरेन को जेल में डाला हुआ है, जमीन का आरोप लगा रहे हैं आप, संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हुआ है, हम जैसे तमाम पत्रकार जो सोशल मीडिया पर बात करें उनको धमकियां दी जाती है, FIR कराया जाता है। आप बताइए डेमोक्रेसी की क्या हालत कर दी गई है, आप कल्पना कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और सवाल है कि क्या लगता है CAG को ऑडिट नहीं करना, ये सारा अकाउंट CAG ऑडिट करे, और सब जगह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी ऑडिट होनी चाहिए, इसकी बाकायदा जाँच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जजों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों द्वारा जांच होनी चाहिए, इनकम टैक्स ED SEBI को जांच करनी चाहिए कि कैसे किसी कंपनी पर छापा पड़ता है और कैसे वो चंदा पहुंचाता है, कैसे किसी कंपनी को चंदा पहुंचाता है और अगले दिन उसको टेंडर मिल जाता है, वो टनल में जो मजदूर फंसे हुए थे उसने चंदा दिया है, वो जो कोरोना का वैक्सीन बना रहा था उसने चंदा दिया, उसके बदले में कुछ नहीं मिला उसको, ये लोग हरिश्चंद्र की औलाद हैं। इस देश के लोगों को लूटा जा रहा है, किसानों को, मजदूरों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को, इस देश के 90% संसाधन पर 10% लोगों का कब्जा है और 10% संसाधन पर 90% लोग गुजारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पैसे से इस देश के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल बनना चाहिए था, स्टेडियम बनना चाहिए था, ग्राउंड बनना चाहिए था, तब देश मजबूत होता। इस पैसे से इस देश की सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए था, विज्ञान और तकनीक पर खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा बीजेपी दफ्तर बनवा रही है, तब देश मजबूत होगा। अंधभक्ति से निकलिए, देश को मजबूत बनाइए, पड़ोसी देशों से खतरा है भारत को, मजबूत राष्ट्र बनना है तो विज्ञान पर खर्चा कीजिए। सेना का आधुनिकीकरण हो सकता था, क्या ये धन्ना सेठ लोग सेना के लिए पैसा दे सकते हैं? सेना को अग्निवीर बना दिया गया, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश की मीडिया को लेना होगा, इस देश की मीडिया की वजह से बदनामी है, कोई चुप्पी साधे हुए सारे पत्रकार, और इस देश के बहुजन नेता ईमानदार हैं, उस देश के लिए सोचते हैं, वो नदी नाला मेट्रो बनाते हैं, स्कूल अस्पताल बनवाते हैं, और ये लोग पार्टी दफ्तर बनाते हैं और देश को लूट रहे हैं। ये साफ हो गया है कि चंद धन्ना सेठों के सहारे इस देश के लोगों के संसाधन, जंगल जल, जंगल जमीन, जमीन संसाधन, खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात,
अगर आपके पास खनिज संसाधन नहीं है तो आप जो टैक्स दे रहे हैं उसको ये लोग लूट रहे हैं और इस देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया गया है और अब गुलाम बनाने की तैयारी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देना चाहिए और पीएम केयर फंड का जवाब दे। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में, वो सीलबंद लिफाफा वापस मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का जब तक संविधान है चेक एंड बैलेंस है, कोई ना कोई इस तरह के लोग आएंगे जो इस देश के संविधान और संवैधानिक मूल्यों को बचाएंगे। चंदा नहीं, ये सबसे बड़ी चोरी है और गरीब लोग के पैसे की चोरी है। इस देश के कॉरपोरेट को लूटने की आज़ादी दी गई है चंदा लेकर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और सवाल है कि 3000 इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।